हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लॉर्डोसिस। तो स्टार्ट करते हैं लॉर्डोसिस। डेफिनेशन क्या है? लॉर्डोसिस इज अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इनवर्ट कर्वेचर ऑफ अ पोर्शन ऑफ द लंबार एंड सर्वाइकल वर्टेब्रल कॉलम। जो लॉर्डोसिस है ये क्या है? एक मेडिकल टर्म है जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? डिस्क्राइब करने के लिए कर्वेचर को, इनवर्ट कर्वेचर। इनवर्ट मतलब आगे की तरफ निकला हुआ कर्वेचर ऑफ अ पोर्सन। कहाँ का पोर्सन जो है आगे की तरफ निकल आता है? लंबर एंड सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम। जो लंबर और सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम होती है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? इनवर्ट हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, अंदर की तरफ देखो, ये यहाँ पे देखो, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें क्या हो गया है, ये देखो जो वर्टिब्रा कॉलम और लंबर है वो अंदर की तरफ क्या हो गई है? इनवर्ट हो गई, मतलब घुस गई है। तो इसमें क्या होता है लॉर्डोसिस में? इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम काइफोसिस पढ़ा चुके हैं, उसका भी दिखा देते हैं। काइफोसिस में क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, कुबर्ट जैसा दिखने लगता है। उसके बाद स्कोलोसिस हम आपको बताते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से इनवर्ट हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, ये चीज जो है वो आगे की तरफ निकल आती है। इटियोलॉजी क्या है? मे बी एसोसिएटेड विद पुअर पोस्चर। ऐसा इसलिए होता है कि जो पोस्चर है वो थोड़ा पुअर है। और कंजनाइटल प्रॉब्लम, कंजनाइटल प्रॉब्लम की वजह से विद द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कॉलम में, वर्टिब्रा कॉलम जो होती है वो पुअर होती है, या फिर कोई कंजनाइटल प्रॉब्लम है वर्टिब्रा वगैरह में, तब ऐसा हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम में, न्यूरो मसल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बैक सर्जरी और हिप प्रॉब्लम, अगर बैक की सर्जरी हुई है या फिर कुछ हिप प्रॉब्लम वगैरह है तब भी ऐसा हो सकता है। रिकेट्स में भी ऑल्सो लीड टू लंबर लॉर्डोसिस। रिकेट्स एक बीमारी होती है, अगर वो हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को लंबर लॉर्डोसिस होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोमिनेंस ऑफ द बटक्स, जो बटक्स होते हैं प्रोमिनेंस ऊपर और नीचे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। बैक पेन बहुत होगा, पेन डाउन टू लेग्स, और जो पेन होगा वो पैरों में भी होने लग सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे, बोन स्कैन करके देखेंगे, MRI, CT स्कैन करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर लॉर्डोसिस विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एज, ओवरऑल हेल्थ, मेडिकल हिस्ट्री, कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है लॉर्डोसिस का वो डिटरमाइन करेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है बेबी के हेल्थ पे, एज पे, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री पे, उसके कॉज पे, और उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई उस पर। उसके बाद द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू स्टॉप, जो इसका गोल होता है, उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट स्टॉप करने का। द प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, जब जो कर्वेचर है उसका प्रोग्नोसिस होने लगता है, मतलब वो अपने नॉर्मल वे में आने लगता है, या फिर डिफॉर्मिटी वगैरह जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद सिंपल एक्सरसाइज में भी सफिशियंट, अगर बेबी को हम लोग सिंपल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो सफिशियंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कोलोसिस। स्कोलोसिस इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इसमें क्या होता है, स्कोलोसिस में क्या होता है, जो कर्वेचर होता है वो क्या हो जाता है? लेटरल हो जाता है, एज द स्पाइन कर्व्स, मतलब जो स्पाइन कर्व्स होता है वो लेटरल शेप में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, द वर्टिब्रा रोटेट पुलिंग द रिब्स अलोंग, और साथ में क्या हो जाती है, जो वर्टिब्रा होती है वो पुलिंग हो जाती है, रिब्स के अंदर ऐसे पुल हो जाती है, मतलब घुस जाती है। ठीक है, तो जो बेबी का स्ट्रक्चर होता है वो लेटरली हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है एक साइड पे, मतलब एक साइड का जैसे कंधा उठ गया ऐसे कुछ दिखाई देता है, या फिर ऐसा कुछ दिखने लगता है। ये देखो एक तरफ लेटरल साइड पे क्या है, निकला हुआ है, और एक कंधा जो है ऊपर और दूसरा कंधा क्या है, नीचे है। तो इसकी वजह से जो ये मतलब कर्वेचर है वो अंदर की तरफ घुस जाता है, वर्टिब्रा जो होती है वो रिब्स के अंदर घुस जाती है, पुल हो जाती है। इटियोलॉजी के कंजेनाइटल स्कोलोसिस इज अकर ड्यू टू वर्टिब्रल अबनॉर्मलिटीज दैट डेवलप इन यूट्रो। ये मेनली स्कोलोसिस जो है कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ये वर्टिब्रा में अबनॉर्मलिटीज होने के कारण ऐसा हो जाता है, या फिर जो वर्टिब्रा में अबनॉर्मलिटीज है वो यूट्रस में ही हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तब ऐसा होता है। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अननोन है। न्यूरोमस्कुलर स्कोलोसिस इज रिजल्ट ऑफ मसल्स वीकनेस और इम्बैलेंस। अगर न्यूरोमस्कुलर स्कोलोसिस है तो इसका मतलब ये है कि जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं और में इंबैलेंस हो गया है। उसके बाद आइडियोपैथिक स्क्लेरोसिस
इज ऑफ अननोन इटियोलॉजी, इट अफेक्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन. जो इडियोपैथिक स्क्लोसिस है उसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन ये 2% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. इसके बाद थेरापी, इसका मैनेजमेंट क्या है. अर्ली ट्रीटमेंट एसेंशियल यूजली बिफोर प्री स्कूल एज. इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सकता है अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. और जो ट्रीटमेंट होता है वो हम प्री स्कूल एज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए. कंप्लीट इवॉल्वेशन फॉर एनी अदर एनोमलीज एंड इंट्रावेनस रिकमेंडेड एज मिनिमल स्क्रीनिंग. उसके बाद क्या, कंप्लीट इवॉल्वेशन होना बहुत ज़रूरी है कोई अदर एनोमलीज वगैरह देखने के लिए. साथ में इंट्रावेनस वगैरह रिकमेंडेड किया गया है कुछ स्क्रीनिंग वगैरह पे, तो वो हम लोग कर देते हैं. ऑकेजनली ब्रेसिंग स्टेबलाइजेस प्रोग्रेशन इफ नो स्ट्रक्चरल चेंज आर प्रेजेंट. ओकेजनली क्या करते हैं, ब्रेसेस वगैरह लगा देते हैं ताकि जो प्रोग्रेशन है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह हैं उसको हम लोग जो भी चेंजेस वगैरह ना हो पाए, जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो ना हो पाए. तो ये था आज का टॉपिक. आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.